वेलकम फ्रेंड्स, मैं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज। ये जो यूनिट हमारी चल रही है, ये है हमारा कंट्रोलिंग का यूनिट। हम पढ़ रहे हैं कंट्रोलिंग की प्रोसेस, और ये प्रोसेस अब हमको इस वीडियो में विद इन 5 मिनट हमको कंप्लीट करनी है। 5 मिनट के अंदर हम ये समझ जाएंगे कि कंट्रोलिंग की प्रोसेस कंप्लीट क्या है। बहुत ही शॉर्टकट के अंदर है, आप इसको एक बार अच्छे से देखिएगा। हालांकि इसका एक पूरा का पूरा डिटेल वीडियो, कंट्रोलिंग की प्रोसेस का एक डिटेल वीडियो आपके इसी चैनल पर अपलोड हो चुका है, इसी प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा। डिटेल में भी आप उसको इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड फिक्स कर देते हैं। हमने जो भी टारगेट पूरा करना होता है उसके स्टैंडर्ड हम फिक्स कर देते हैं। क्वालिटी भी फिक्स कर देते हैं, क्या हमको अचीव करनी है। क्वांटिटी भी हम फिक्स कर देते हैं, कितने टाइम में हमको पूरा करना है, कितनी कॉस्ट लगने वाली है। ये हम सारी बातें हम पहले से ही फिक्स कर लेते हैं, हमको क्या टारगेट अचीव करना है, उस टारगेट की क्वांटिटी क्या होगी, क्वालिटी क्या होगी, टाइम क्या होगा, कॉस्ट क्या होगा, ये सारी बातें हम पहले से ही स्टैंडर्ड में फिक्स कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, काम स्टार्ट होता है। काम स्टार्ट होने के बाद क्या रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे। या तो आप परफॉर्मेंस को चेक करना है तो काम चलते चलते भी आप परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हो, या काम पूरा होने के बाद भी आप अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, स्टैंडर्ड फिक्स किया था हमने 10,000 यूनिट का, प्रोडक्शन हो गया अभी 9,900 यूनिट्स का। मतलब स्टैंडर्ड फिक्स हुआ था 10,000 का, जो एक्चुअल रिजल्ट आया है, मतलब सेकंड पॉइंट, एक्चुअल रिजल्ट आया हमारा 9,900 का, तो हमको ये पता लग जाता है। थर्ड पॉइंट है हमारा कंपैरिजन करना। कंपैरिजन अपने को क्या करना है, एक्चुअल रिजल्ट का जो हमने स्टैंडर्ड फिक्स किए थे आपस में हम कंपैरिजन करवाएंगे। क्या कंपैरिजन कर रहे हैं, 10,000 हमने स्टैंडर्ड फिक्स किया था, रिजल्ट कितना आया है 9,900, डेविएशन कितना आया है मान लो 100 का, ये डेविएशन नेगेटिव है, क्योंकि ये डेविएशन का हमको यहाँ पर एक कंपैरिजन के थ्रू पता लग जाता है। ये डेविएशन हो सकता है कि मान लो हमारा प्रोडक्शन हो जाता है मान लो 11,000 यूनिट का हो जाता, तो हमारे पास ये प्रोडक्शन ज्यादा हो गया, तो अगर रिजल्ट हमारा नेगेटिव आता है तब भी हमको आगे प्रोसेस कंटिन्यू करनी है। अगर हमारा डेविएशन ज्यादा आया है, प्लस में हमारा डेविएशन आया है, तब भी हमको प्रोसेस आगे कंटिन्यू करनी ही होती है। अभी क्या करना है, अपने को डेविएशन को एनालाइज करना है। डेविएशन हमारे काफी सारे कारणों से होते हैं, ह्यूमन कॉज, कोई इंप्लॉई छुट्टी कर रहा है बार बार, बीमार पड़ जाते हैं, वातावरण अच्छा नहीं है, तो इंप्लॉईज सबसे बड़े कारण होते हैं प्रोडक्शन के अंदर डेविएशन आने की वजह के अंदर। दूसरा, अनसर्टेनिटी, कुछ इवेंट होते हैं, कुछ इवेंट ऐसे होते हैं, स्ट्राइक होगी, लॉकआउट हो गया, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, जैसे मशीन ब्रेक होगी या लाइट की सप्लाई हमारे टाइम से नहीं आ रही, और कुछ ऐसा भी होता है कि मान लो हमने स्टैंडर्ड ही गलत फिक्स किया हो, ये जो स्टैंडर्ड फिक्स किया मान लो हमने गलत फिक्स किया, तो डेविएशन आना हमारी एक लाजमी सी बात होती है। तो यहाँ पर आकर हम डेविएशन को बहुत अच्छे से स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं कि हमारे डेविएशन, हमारा डिफरेंस किस वजह से आ रहा है। जब हमको ये पता लग जाता है कि डेविएशन इस वजह से आ रहा है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, करेक्टिव एक्शन लेते हैं। करेक्टिव एक्शंस के अंदर अगर आपको लगता है वो प्रॉब्लम जिस वजह से आपका डिफरेंस आ रहा था, अगर आपको उस प्रॉब्लम का पता लग सकता है, अगर वो आप प्रॉब्लम हटा सकते हो, तो हमको क्या करनी है, उस प्रॉब्लम को, उस डेविएशन को रिमूव कर दीजिए। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये भी है, आप कोई ऐसा एक्शन लीजिए ताकि ये प्रॉब्लम आपकी फ्यूचर में कंटिन्यू हो ही ना। तो सेकेंड स्टेप, स्टॉपिंग द रिपीटेशन, ये डेविएशन आपका रिपीट नहीं होना चाहिए। मतलब इस प्रोसेस के अंदर अपने को क्या करना है, सबसे पहले स्टैंडर्ड फिक्स किया, स्टैंडर्ड फिक्स किए, एक्चुअल परफॉर्मेंस देख ली, कंपैरिजन कर लो, डिफरेंस के कारण पता लगा लो, डिफरेंस किस रीजन से आए आप पता लगाओ, पता लग गया उसके बाद अपने को क्या करना है, करेक्टिव एक्शंस लेने हैं। ऐसा एक्शन लेना है कि दोबारा से गलती रिपीट ना होनी चाहिए, या अगर आपको लगता है कि वो प्रॉब्लम का कारण नहीं, आपको जड़ से उखाड़नी है, तो प्रॉब्लम को ही उखाड़ कर फेंक दो। तो ये थी हमारी पूरी की पूरी कंट्रोलिंग की प्रोसेस। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, इस वीडियो का पूरा डिटेल वीडियो, डिटेल स्टडी आपके इसी चैनल पर अपलोड हो चुका है, आप उसको अब देख लेंगे तो ये पूरा आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।